देश के वायु वीरों ने हर मुश्किल वक्त में जांबाजी की मिसाल पेश की है। आपको याद होगा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा, जब भारी बारिश की वजह से हिमाचल के कई इलाके जल के रौद्र रूप के शिकार हो गए थे, तब देवदूत बन के सामने आए थे वायुसेना के जवान। जम्मू में इसी पराक्रम की प्रदर्शनी लगाई गई और वायु वीरों की जांबाजी का प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश में अगस्त में आई बाढ़ और भारी बारिश से लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई थी। आपदा की इस घड़ी में देवदूत बनकर आए थे वायु सेना के जवान। इन जवानों ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाई बल्कि परेशानी में फंसे लोगों तक जीवन की उम्मीद भी जगाई। देश पर कभी भी कोई संकट आता है, चाहे दुश्मन के जरिए या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारतीय वायुसेना अग्रसर रहती है देश को मदद पहुंचाने के लिए। जो लोग संकट में होते हैं उनकी सहायता के लिए इन्हीं जवानों के पराक्रम और असाधारण सेवा से रूबरू कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात 130 हेलीकॉप्टर यूनिट ने हिमाचल के कांगड़ा और मंडी में मिशन जिंदगी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के समय काफी वर्षा हुई, जिसके कारण वहां पर बाढ़ आई और हजारों लोग उसके कारण प्रभावित हुए। तब भारतीय वायुसेना के शूरवीर देवदूत बनकर लोगों की सहायता के लिए सामने आए और इन्होंने जो है बड़ी ही बहादुरी के साथ वहां पर राहत और बचाव कार्य में जो है ये शामिल हुए और हजारों लोगों तक इन्होंने राहत पहुंचाई और सैकड़ों लोगों को इन्होंने संकट से बचाया और सुरक्षित स्थानों पर ले गए। वायुसेना अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल में लोगों को बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन हमारे जवानों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर वक्त देश को रहती है। जो पूरा ऑपरेशन था हिमाचल फ्लड्स का, हम लोगों ने दो फेजेस के अंदर किया था। फर्स्ट फेज वॉज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर इंदौरिया डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के जो एरियाज थे वो पूरे पूरे पानी के अंदर थे। जब पायलट्स वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो अपनी छतों के ऊपर, छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर, किसी मेकशिफ्ट चीज के ऊपर अटके हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। पानी का लेवल बढ़ा तो हो सकता है कि वो पानी के अंदर बह भी जाए। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने 3 दिन के अंदर 1004 लोगों को बचाया था। 73 सॉर्टीज की गई थी उस चीज के लिए और 3 हेलीकॉप्टर यूज किए थे। उसके बाद सेकंड फेज जो आया था हमारा, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था, जिसके अंदर लोग अपने घरों में सेफ तो थे, लेकिन सिंस सारे रोड नेटवर्क वगैरह कट चुका था तो उनके पास खाने के लिए और रिलीफ सप्लाईज कुछ नहीं थी। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने 3 दिन के अंदर 6 हेलीकॉप्टर यूज कर 35 टन लोड वहां पर ड्रॉप किया है और लोगों को सेफ किया गया है। चुनौतियां कम नहीं थी, क्योंकि चॉपर लैंड कराने की जगह नहीं थी, चारों ओर से पानी ही पानी भरा था, लेकिन लोगों को सुरक्षित निकालना था। ऐसे में वायु सेना के वीरों ने अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम दिया। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चुनौती ये थी कि हेलीकॉप्टर कहीं पे नीचे जा नहीं सकता था और जहां से लोगों को निकालना था वो ऐसी जगह के ऊपर अटके थे कि उनके आसपास हेलीकॉप्टर को लैंड करने की कोई जगह थी ही नहीं, पानी पानी भरा हुआ था। तो हमने लोगों को विंचअप किया है वहां पर, लोगों को लो होवर के ऊपर आकर, कई बार ऐसे भी किया गया कि एक पहिया आपका छत के ऊपर है, एक पहिया छत के ऊपर नहीं, बाकी हेलीकॉप्टर छत से बाहर है। हमारे गरुड़ कमांडो छत के ऊपर कूद रहे हैं, लोगों को उठाकर जहाज के अंदर डाल रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि सब कुछ हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर था लेकिन लैंड करने की कोई जगह नहीं थी। तो हम लोग एट टाइम्स क्या कर रहे थे कि लो होवर के ऊपर आ रहे थे किसी खेत के ऊपर और वहां से रिलीफ सप्लाईज पूरी पूरी ड्रॉप कर रहे थे लोगों के लिए। बाढ़ से हिमाचल प्रदेश में हालात काफी बिगड़ गए थे। कई जगह न तो बिजली थी और न ही हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जगह। इस ऑपरेशन के दौरान वायु वीरों ने 142 उड़ानें भरी। इसमें मंडी जिले के लिए 69 और कांगड़ा के लिए 73 उड़ानें भरी गई और दोनों जिलों को मिलाकर कुल 1200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जबकि 35 से 38 टन तक की राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई। 6 मरीजों और 21 यात्रियों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर यूनिट ने चुनौतियों का सामना करने की अपनी तैयारियों के साथ उन सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जिनकी मदद से लोगों को बचाया जाता है। इनमें विंच, हार्नेस, रेस्क्यू क्रेडल मुख्य थे। इस दौरान घायलों को हवा में ही चिकित्सा सुविधा देने के लिए तैयार किया गया वायुसेना के MI-17 एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर भी दिखाया गया। ये हेलीकॉप्टर जान बचाने के कई उपकरणों से लैस है। चुनौती चाहे दुश्मन की हो या फिर प्रकृति की,
एयरफोर्स के जाबाज लोगों की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या देश का कोई भी इलाका, वायुसेना के शूरवीर लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। सुनील जी भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज़ टुडे।